तो स्वागत है स्टूडेंट्स क्वेश्चन फिगर इफ ऑफ़ वायर आर सेम एंड मटेरियल्स आर डिफरेंट यंग्स मॉडुलस इज़ मोर फॉर देखो अगर हम थोड़ा सा फॉर्मूला पे चले तो वाई इक्वल्स टू होता है एफ एल बाई वाई ए सॉरी वाई इक्वल्स टू होता है फोर्स बाई एरिया डेल्टा एल बाय एल तो यहाँ पे ग्राफ किसके बीच है लोड और एक्सटेंशन के बीच है ठीक है ना तो लोड और एक्सटेंशन के बीच में है तो तुम ऐसा करो कि फोर्स बराबर क्या लिखोगे फोर्स बराबर लिखोगे वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल क्रॉस सेक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये वाला वैल्यू एक्चुअल में तुमको uh, फोर्स और डेल्टा एल क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है क्योंकि इस वैल्यू को हम मान ले रहे हैं स्लोप और ये स्लोप हो गया ठीक तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे तुमको दिख रहा है अगर लोड और एक्सटेंशन के बीच का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स कि इसका स्लोप क्या है ए का स्लोप कांस्टेंट है बी का स्लोप कांस्टेंट है तो अगर हम बात करें कि स्लोप ऑफ ए स्लोप ऑफ ए तो वो वाई ए बाई एल होगा ठीक तो तो मतलब है फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली तुम पढ़े हो गए प्लस अगर ग्राफ ओरिजिन से पास हुआ तो ये जीरो हुआ और y बराबर क्या हो गया एम एक्स तो यहाँ पे लोड और एक्सटेंशन दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये स्लोप बनेगा ना अब देखो किसका स्लोप ज्यादा है ए का या बी का तो ए ज्यादा एंगल बना रहा है बी कम एंगल बना रहा है तो स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ़ 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 बी, बी, स्लोप 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 ए ए इज़ ग्रेटर देन का अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे y y अब क्वेश्चन में तो बोला था कि मेरे को डायमेंशन सेम लेना है मटेरियल अलग अलग है लेकिन डायमेंशन सेम है तो ये दोनो दोनों एरिया सेम होगा लेंथ दोनों सेम होगा तो इससे पता चला कि वाई ऑफ ए इज ग्रेटर देन वाई ऑफ बी तो क्वेश्चन में मेरे से पूछा था कि किसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स ए का यंग्स मॉडुलस यहाँ पर ज़्यादा होगा आई होप आप ये समझ पाएंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग